स्वास्थ्य पर चिंतन रहे, प्रसन्नता मेरे भीतर प्रवेश कर रही है और बाहर जाने वाले स्वास्थ्य पर चिंतन करे, निराशा उदासी चिंता तनाव ये सब बाहर जा रहे हैं। स्वस्थता आनंद सुख शांति भीतर प्रवेश कर रही है, इसका चिंतन करे। मन को एकदम खाली करें, मन को एकदम शांत करें, शांत मन से प्रसन्न मन से एकाग्रचित मन से जिन वाणी को श्रवण करें। शांत 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 जग में चारे दिलों का जीता छोड़ी माया है छोटी तेरी, ओ, ये माया
हर
चीज हम देते हैं, तो इस आत्मा के लिए कौन आई है सुबह? एक साड़ी खरीदने को जाकर दूसरों की साड़ी देखते हैं, उसके हिसाब से साड़ी लेते हैं, तो आत्मा का कल्याण करना है, स्वयं को आगे बढ़ना है, तो इससे मूल्यांकन कर रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे देव गुण धर्म, इनसे अपने जीवन का मूल्यांकन करो। अरे इनसे पूछो जाकर के कि वास्तव में आप अपनी दृष्टि में मेरा जीवन धन्य है कि नहीं है, आपकी दृष्टि में वो जितना जहां तक पहुंच जाना चाहिए था वहां तक मैं पहुंचाऊं कि नहीं पहुंचो। उन परमात्मा से पूछो, उन गुरुओं से पूछो, और ऐसे धर्म से पूछो जाकर और उसे कंपेयर करो। जब जब गलती एक्सेप्ट नहीं होती तो किसको देखो? तो अतिमुक्त होने को देखो कि कैसे उन्होंने सरलता से गलती एक्सेप्ट करी और मैं छोटी छोटी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अरे जब तक लोग हावी होता है तो किसको देखो? वो कपिल मुनि राज को देखो। वो कपिल मुनि कैसे थे? जिनको राजा ने बोला जो मांगना है मांग लो, पर बोले मांग की भी क्या मांगू, जो मांगूंगा वो छूटने वाला है, तो क्या करो पूरी दुनिया को ही छोड़ दूंगा, सन्यासी बन गए। अरे जब लगता है कि मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है, कि सांस मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है, कि दुनिया मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, तब किसको देखना, तब किसको मित्र बनाना, तो उस मैना सुंदर को मित्र बनाना, कि कैसे कर्म का उदय आया, पर पिता को दोषी नहीं दिया न माता को दोषी दिया, मेरा भाग्य जो है मुझे मिला। और जब क्रोध हावी हो, क्रोध हावी होते हैं चेहरा देखना उस टाइम, और चेहरा किसका देखना? आईने में अपना क्रोध वाला चेहरा मत देखना, तो कहते हैं गुड़ मुनि का चेहरा देखना, किसी पात्र में चावल रखा है, किसी ने थूक दिया है, क्रोध का कितना बड़ा प्रसंग दिया किसी ने, फिर भी उन मुनिराज ने क्या समझ के दिया उसने, क्रोध ही किया है उसने। तो ऐसे मुनिराज से अपने जीवन को कंपेयर करना और अपने जीवन को आगे बढ़ाना। अरे धवल से बार बार श्रीपाल के साथ बुरा कर रहे हैं, कल वो श्रीपाल कैसे हैं? उनके कल्याण के लिए बन रहे हैं। तो जब हमारे साथ कोई बुरा करे तो किसको देखना? धवल से को नहीं, श्रीपाल को देखना, कि श्रीपाल क्या कर रहे, बार बार धवल की रक्षा करने के प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे चंदन वाला, गौतम स्वामी आदि को अपना मित्र बनाना और उनसे अपने जीवन की राय लेना कि आप ऐसी स्थिति में होते तो क्या करते। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कथा है, ये हमारे को जीवन में को आदर्श बनाना है, इनको अपना फ्रेंड बनाना है, अपना मित्र बनाना है, ये तो आपको परिस्थिति में सहयोगी बनेंगे। तो ऐसे देव गुरु धर्म जो वास्तव में आदर्श है, क्यों आदर्श है? क्योंकि भव समुद्र बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी गतियां हैं, बहुत सारी योनियां हैं, बहुत प्रकार की जीवन शैलियां हैं, और हर जीवन शैली क्या होती है, तू फंसते जा भैया, तू इस कीचड़ में फंसते जा, हमते को फंसाने के लिए बनेंगे। सारी दुनिया आकर्षण दे रही है, भोगों की बहुत दुकानें खुली हुई है, और सब बुला रहे आ जाओ भैया आ जाओ, और क्या करो इन भोगों के में फंसते जाओ, और फंस तो जाओगे फिर इसके बाद जो तुम्हारा हाल होगा ना उसके लिए तुम्हें जिम्मेदार होगा। पर ये देव गुरु क्या बोल रहे हैं? ये देवता जैसे अरिहंत परमात्मा, ये गुरु क्या बोल रहे हैं हमको? कि हम ऐसे नाव में बैठे हैं, हम खुद तो तिर रहे हैं, पर आप भी आना चाहो तो आ जाओ, इन दुनिया वालों को मत देखो, ये दुनिया थोड़ी देर के बगावे में जाएगी तुमको, थोड़ी देर के पिक्चर दिखाएगी अच्छी अच्छी, पर वास्तव में तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा, तो क्या करो इनको भूल जाओ और हमारे साथ हो जाओ। अनेक जीवन मैंने अपने हिसाब से जिया, अगर काम होना था तो अब तक हो जाना चाहिए था, मेरी मुक्ति हो जानी चाहिए थी, पर क्यों नहीं हुई मेरी मुक्ति? क्योंकि मैंने अपने मन से जिया। पर देव गुरु धर्म क्या बोले? एक जीवन की मेरे हिसाब से जी ले, मेरी आज्ञा के हिसाब से जी ले, मेरा जैसा मैं सोचता हूं वैसा तू सोच के जी ले, फिर मुक्ति नहीं मिली, फिर सुख का मार्ग नहीं मिला, तो आकर मैं से लड़ाई करना, ऐसा वो चैलेंज करते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अनेक जीवन मैंने अपने हिसाब से ही किया, तो क्यों ना इस छोटा सा जीवन जो बचा है 30-40 साल का, उनको उनके हिसाब से जीने में लगा दूं, तो शायद आने वाला भव हमारे जन्म जरा मृत्यु के निवारण करने वाला बनता है, फिर कभी इस फसावट में आना नहीं पड़ेगा। ऐसी तीव्र प्यास के साथ उनकी शरण में जाना चाहिए, ये मुझे क्या करके सुख का मार्ग दिखाएंगे ही दिखाएंगे। बोलते ना बेहर देर इज अल देर इज अब, जहां चाह होती मारा होती है, अगर आप चाहते हो निर्भर संसार से तो राह अवश्य मिलेगी। उन गौतम स्वामी जैसे विद्यार्थियों को परमात्मा का मार्ग मिल गया तो हम तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा पर चाह होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। कहते हैं कि सद्गुरु सामने से निकल जाते हैं पर सद्गुरु को पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? पता है कि प्यास नहीं जाती कि मुझे अपने आप को कल्याण करना है। कई भाव में ऐसे दिखता है, तीर्थंकरों को सामने से क्रॉस करते हुए देख लिया पर तीर्थंकर को जान नहीं पाया। तो
प्यास जितनी जगाएंगे मोक्ष मार्ग के लिए, प्यास जितनी जगाएंगे भव से मुक्त होना है मुझे, जीवन मुक्त दशा आना ही है, शरीर से मुक्त होना ही मुझे, तब जाकर की जिनवाणी असरकारी बनेगी। तो ऐसे जिनवाणी को श्रवण कर रहे और हमेशा जब भी आए तो तड़प के साथ आए कि मेरे को अपने दुख को समाप्त करना ही है, और मात्र और मात्र इस मुझे को कौन करने वाली है तो परमात्मा की अमूल्य वाणी, अनमोल वाणी, अद्वितीय वाणी और ऐसी अपूर्व वाणी जो बना रखी है वो ही श्रेणी में करेगी। इस हेतु से आराधना भवन प्रवेश करें। अब हम जब पाप स्थानों का वर्णन सुन रहे हैं, आठवें नंबर का पाप हमने सुन रखा था, अभी कौन सा था, माया, मायाचारी का पाप हमने अभी दो तीन दिन से उसको सुन रहे थे, और आज से हम अगले पाप की तरफ बढ़ रहे हैं, नौवे नंबर का, जो 18 पाप स्थान के क्रम में जो नौवे नंबर में आते हैं वो पाप कौन सा है, लोभ। कषायों में क्रोध मान मायाओं में से चार कषाय है और उसमें नब्बे नंबर की कषाय है लोभ, उसके बारे में आज हम थोड़ा सुनना प्रारंभ कर रहे हैं। लोभ और लाभ दो शब्द आते हैं, लाभ और लोभ, क्या इन शब्दों में कोई संबंध है क्या? लाभ जानते हो लाभ, और लोभ भी जानते हो शब्द, लोभ और लाभ के बीच में संबंध है क्या, क्या संबंध है बोलो साहब? हाँ बहुत बढ़िया, जहां जहां लाभ वहां लोभ है, लाभ अच्छा करते हैं, लाभ होना चाहते हैं, शुभ लाभ देते ना घर में, तो मतलब लाभ चाहिए आपको, ज्ञानी कह रहे हैं लाभ चाहिए मतलब आपको लोभ भी है, जहां लाभ लग रहा है अच्छा मतलब आपके अंदर में आपके हृदय में लोभ का भी वास चल रहा है, जहां लाभ हो तहां लोभ, जहां लाभ है वहां लोभ है ही, अरे जिसको बोल रहे हैं कि मुझे लाभ चाहिए कोई वस्तु का, कोई व्यक्ति का, मतलब उसको लोभ उससे हृदय में है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक ही है, क्योंकि जब तक लोभ नहीं रहेगा तब तक लाभ की कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, लोभ का भाव है अंदर में इससे लाभ का भाव है, पर आपको कोई बोल दे कि आप लालची हो एक नंबर के, तो मुंह कैसे बनाओगे, बना के दिखाओ, बनाओगे ना, मतलब लालची शब्द सुनना पसंद नहीं किसी को, पर कोई बोलते आप लाभ प्रेमी हो, आपको भी बहुत लाभ प्रेमी हो, तो लाभ प्रेमी को सुनना आपको पसंद आ रहा है, एक अप्रिय शब्द है और एक प्रिय शब्द है, पर दोनों का ही एक ही मतलब है, आप लालची बोले या लाभ प्रेमी बोले, दोनों का मतलब तो एक है, हो क्या लालची आप, हो लालची, लालची मतलब क्या होता है, भीख मांगे लालची है क्या, मन बताओ नहीं है लालची, बोलते चोरी करते हैं, झूठ बोलते, माया भी कर देते, कल अपने हाथ मुंडे ही रहेंगे, पर लालच कहां करते हैं, करते हैं, कोई बोल रहा है कि अगर मैं लालची नहीं हूं तो ज्ञानी बोलते एक नंबर के झूठे हो आप, अगर लालच जीवन से निकल जाए ना तो अभी देव दुनिया भी बजेगी, अभी देवता आ जाएगी, समोसा लगाने हमको हटना पड़ेगा भैया, हमारा प्रवचन बंद होगा आपका प्रवचन चालू होगा, लालच अगर हट जाए तो कहते अगले ही क्षण कौन बनते हैं, वो भगवान बन जाते हैं, मतलब लालो हटा और क्या हुआ, भगवान का जन्म हो गया, मान केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लोभ के जाने से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा होता है क्या, होता है क्या, तो ऐसा ही होता है, यानी क्या बता रहे हैं, आप कर्म ग्रंथ जब पढ़ोगे दूसरा कर्म ग्रंथ कभी पढ़ना मौका मिले तो आराधना भवन में आके, तो उसमें बताया गया है कि कषायों कितनी 18 प्रकार के पाप स्थान तो है, पर ऐसे बहुत सारी कषाय हाथ से रची अरति भैंस और दक्षा स्त्री वे पुरुष वे नपुंसक वे और के क्रोध मान माया लोभ, ये सारी कषाय जीवों में ठसा ठस भरी हुई है, पर ये कषाय किस क्रम से जाती है, ये आत्मा जब मुक्त होने के मार्ग में बढ़ती है ना तो कषाय किस क्रम से जाती है पता है, तो कहते हैं कि बीज राग दशा प्रकट होने के एक क्षण पहले लोभ का नाश होता है, मानो ये लोभ का नाश हुआ और अग्निशन कौन बने, वो जीव भगवान बन गया, मतलब सोचो भगवान बनने के लिए कौन आ रहा था अंत में, ये स्वजनन लोभ आ रहा था, ज्ञानी कहते हैं इतना खतरनाक होता है कि अंत में ही जाता है, और इसके जाते ही मानो बीत राम का प्रकट होती है और अग्निशन केवल ज्ञान प्रकट होता है, तो कोई बोले मैं लालची नहीं हूं, तो लालची नहीं मतलब भगवान होना चाहिए आपको, अगर लालच नहीं है और अगर आप भगवान नहीं हो तो इसका मतलब आपके में लालच है, लोभ का भाव भी चल रहा है, मैं तो जैसे उसमें चला लेती हूं, मैं कुछ डिमांड नहीं करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लोभ है कंट्रोल, यानी बोल रहे कि भगवान नहीं बने हो मतलब लोभ भी आपको आड़े आ रहा है, ये कंफर्म है, ऐसा लोभ का भाव आपके हमके सबके में है, क्यों, क्योंकि अभी हमारी विद्या दशा प्रकट नहीं हुई है, मतलब मानो ये लोभ हटा
अगली आत्मा का द्वार खुला, ऐसा इनका संबंध है। तो इसलिए जब तक लोक दशाएं चल रही है तब तक भगवान की दशा हमारे आत्मा में आएगी नहीं। पर नॉर्मली हमारे मुंह से क्या स्टेटमेंट करते हैं कि मेरे को मैं बहुत संतोषी हूं, ऐसा हम बोलते हैं दबाते हुए। कोई दूसरा बोलते हैं तो अपन ही बोल देते क्या मैं बहुत संतोषी हूं, मुझे जहां जितना जैसा मिलता है, जब मिलता है, जो जितना मिलता है मैं उसमें संतोष कर लेता हूँ। मैंने कभी अपने सास ससुर से नहीं कहा कि आपने मुझे इतना दिया उतना दिया, मुझे जितना दिया उसमें संतोष हूं, ऐसा बोलते हैं आप? बोलते हैं नहीं बोलते, मानते तो है बोलते भी है, पर ज्ञानी बोलते गलत फहमी में हो, खुश फहमी मत करो गलत फहमी में हो। अरे ये लोग दशा इतनी तीव्र है इस आत्मा में कि बचपन में जब जन्मे थे तब भी लोग चल रहा था, जवानी में तो भी चल रहा था, बुढ़ापे में तब भी लोग चल रहा है, और मरने के आसन में भी तब भी लोग चल रहा है। इतनी जबरदस्त लोक दशा है। मरने वाले व्यक्ति भी क्या क्या बोलते रहते दिन भर, अरे मेरा वो काम निपटा कि नहीं निपटा, अरे मेरी जीवन की रजिस्ट्री हुई नहीं हुई, अरे मेरा बैंक में काम ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, अरे वहां से पैसा आने वाला था आया नहीं आया। मतलब मरने के आसन में कैंसर का रोग घेरा हुआ है पर फिर भी कोई ना कोई काम आ रहा है, ये काम क्यों आ रहा है उसको? तो ज्ञानी कहते हैं उसको लोभ दशा है, तो चाहिए का भाव चल रहा है अंदर में, इसलिए मरने की फुर्सत नहीं है, काम निपटाने की फुर्सत है। क्या बोले ज्ञानी? उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर, उम्र थोड़ी सी हमको मिली थी मगर, वो भी घटने लगी देखते देखते, वो भी घटने लगी देखते देखते, ये करूं वो करूं कुछ न मैं कर सका, ये करूं वो करूं कुछ न मैं कर सका, सांसें थमने लगी देखते देखते, सांसें थमने लगी। क्या बोले? उम्र थोड़ी सी मिली थी पर वो भी कैसे लग गई, देखते देखते चले गए, ये करूं वो करूं, ये करना है वो करना है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बोल सकता है सारे काम कर ले, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये विशेषण किसको मिला है? सिर्फ अरिहंत बनने वाली आत्मा को, सिद्ध बनने वाली आत्मा को बोलते हैं कि उनको क्या बोला जाता है जब वो सिद्ध बनते हैं, तो कृत्य कृत्य हो गए, मतलब जो करने जैसा था सब कर लिया, अब ये करो वो करो के साथ लगा हुआ नहीं, क्योंकि लोग कशाय कर रही तब तक ये करो वो करो लगा रहेगा, और ऐसा करते करते जीवन का अंत दिन भी आएगा तब भी लगा रहे आटा भी सारा बचा है, ऐसा बोलेंगे वो क्या जीवन तमाम। ये दो कशाय क्या करती है, वो घमा देती है, अरे ये कर वो कर ऐसा कर वैसा कर, करते जा बस, जब तक इस शरीर में आत्मा है तो करते जा कुछ ना कुछ। ऐसी दो कशाय के जाल में फंसे हुए जबरदस्त, क्यों फंसे हुए? तो आत्मज्ञानी संत बोलते अपना ठिकाना नहीं पकड़ लिया तुमने, तो क्या करे पर में सुख लग रहा है तो पर को पाने की आशा में घूमते जा रहे, करते जाओ बस, लाते जाओ बसाते जाओ, भोगते जाओ फिर लाते जाओ फिर बसाते जाओ भोगते जाओ। लोग कशा ऐसे हमको ले जाते, लोग यानी क्या? अब तक लोग लोग बोल रहे हैं, लोग यानी क्या होता है? लालची बोल दिया अपना तो उसका पर्यायवाची शब्द हो गया, पर लोग यानी क्या वास्तव में? क्या लालसा? बहुत सही, इच्छा है, कुछ पाने की तीव्र इच्छा, इच्छा ही तीव्र इच्छा, अभिलाषा, लिप्सा, जिज्ञासा, पिपासा, मतलब कुछ पाना है मुझे, कोई वस्तु पाना है, कोई व्यक्ति पाना है, किसी घटना को पाना है, मुझे ऐसा ऐसा व्यक्ति चाहिए, मुझे ऐसी ऐसी वस्तु चाहिए, कोई डिजायर है, कोई विल है अंदर में, ये सब क्या है? ये मानो लोग के क्या है, अलग अलग कुछ है। मेरे को कोई वस्तु चाहिए वो भी लोभ है, कोई व्यक्ति चाहिए वो भी लोभ है, कोई घटना चाहिए वो भी लोभ है। कितने प्रकार के लोग बताए शास्त्रों में? बहुत सारे प्रकार के लोग बताए। वस्तु का लोभ हो जाता है, मुझे डाइनिंग टेबल चाहिए, मुझे ऐसी साड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। व्यक्ति का लोभ हो जाता है, मेरा पोता कब होगा, मैं स्मार्ट सिटी कब चलूंगी, ये भी लोभ है। फिर परिस्थिति का लोभ हो जाता है, मैं अध्यक्ष कब बनूंगा, मैं कोषाध्यक्ष कब बनूंगी, मैं सांस कब बनूंगी, क्योंकि ऐसी घटना कब मिलेगी कि सांस बनूंगी, ये भी लोभ है। फिर स्थान का लोभ हो जाता है, मेरी कॉलोनी, मेरा अपार्टमेंट, मेरा आराधना भवन, मेरा अंतर्गत संघ,
बाड़मेर का ये स्थान कब हो गया? मेरी कॉलोनी कौन सी? कोई भी, हाँ कल्याणपुरा पुरा, ये मेरी कॉलोनी, इसका भी लोग चल रहा है, इसके बारे में कुछ बोलते तो बुरा लग जाता है। फिर शरीर का लोग मुझे फुंसी मत हो जाए, मेरे बाल सफेद मत हो जाए, मैं काली मत दिखूं, ऐसा लोग चल रहा है, शरीर का लोग चल रहा है। फिर सम्मान का लोग, सम्मान चाहिए क्या? जो सम्मान चाहिए मान बचा है, पर इसका एक लोग हो जाते मुझे चाहिए, तो ये भी क्या है? लोग है, कोई मेरी इज्जत का गिरा दे, हम क्या करते हैं? अरे वो सम्मान नहीं देना चाहते, तुम पर अपमान नहीं मत हो, ये अपमान मत हो, क्या बता रहे हैं? सम्मान चाहिए, ये भी लोग चल रहे हैं। फिर प्रकृति का लोग, अरे बहुत गर्मी है भैया, पानी कब गिरेगा, ये धूप कब निकलेगी, छाव कब आएगी, मतलब हम क्या ऐसा ऐसा एनवायरमेंट चाहिए, पर्यावरण चाहिए, ये भी एक लोग चल रहा है। फिर समय का लोग, मेरा नंबर कब आएगा, अरे डॉक्टर क्या बहुत बड़ी लाइन खड़ी है, मेरा समय कैसे बच सकता है, मेरा फ्रेंड लेट क्यों आया, इस समय को लेकर के लोग चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग चल रहे हैं। वास्तव में अब ये लोग की खासियत क्या है, मतलब ये इसकी विशेषता क्या है, क्या यज्ञ की व्यवस्था बताइए, जब शास्त्र पढ़ेंगे आप बहुत सारी चीजें लिखी लोगों के बारे में, क्योंकि इसमें तो अपन भी ऐसे लिख सकते, तो ज्ञानी तो और लंबा चौड़ा लिख सकते ना, पर फिर भी कुछ बातों को अपन देखते कि लोग कैसा होता है। तो ज्ञानी कह रहा है विशेषता दे लोग के लिए कि लोग टॉर्च की तरह होता है, टॉर्च क्या करता है, रोशनी देता है, रोशनी में देता है टॉर्च, तो सूर्य भी रोशनी देता है, टॉर्च क्यों बोला लोग, हाँ आगे आगे रास्ता बताता है। तो जैसे टॉर्च क्या करता है, थोड़े समय का दूरी तक दिखाता है, फिर वहां तक जीत करते, फिर आगे का दिखाता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग कैसे है, क्या करते हैं, थोड़े दूर की पिक्चर दिखाता है, थोड़े दूर के सपने में डालते दिमाग में डालता है, फिर आगे के सपने दिखाता है, और फिर आगे के, अब वहां पहुंच जाते हैं, फिर आगे का लोग हो जाता है। रोड पट्टी क्या सोचता है, हजार पति बन जाओ, अरे हजारों पति क्या होता है, और जो हजार पति बन जाता है, किसके सपने देखता है, लखपति बनने के, और फिर लखपति तक आ गया वो साल दो साल में, फिर सोचते मैं करोड़पति बन जाऊं, और फिर करोड़पति से अरबपति कब बनूंगा मैं, और अरबपति में हजार अरबपति कब बनूंगा मैं अंबानी कब बनूंगा, ऐसे ऐसे सपने चलते हैं। टॉर्च की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कि लोग ऐसा नहीं एक साथ अरबपति के सपने दिखाते हैं आपको, वो तो धीरे धीरे दिखाऊंगा, तू चलना चालू कर अभी, धीरे धीरे दिखाऊंगा। साइकिल की पहले बचपन में आपको साइकिल चलाया थे, आपने चलाया, फिर क्या हुआ, दूसरों को देखा सुनी है सबकी बात, सुन लिया दूसरी बस कहा है मेरे पास स्कूटी तो आ जाए, सेकेंड हैंड आ जाए, क्या हुआ स्कूटी आ गई धीरे से, साइकिल को रख दिया किनारे, मानुष की शोक सभा बना दिया, अब क्या हुआ स्कूटी आ गई, फिर दूसरों को देखा किसी के पास होंडा है, तो मेरे पास भी होंडा आ जाए, होंडा ले लिया, लोग किसी तरक्की कर रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे लोग अपने जादू का सहारा क्यों, भगवान ज्ञानी क्या बोले कि तू कितना मूर्ख है कि लोगों के जादू में फंस रहा है, जब तेरी रिक्वायरमेंट साइकिल से पूरी हो सकती थी, तो तू क्या किया, जिस समय को अगर आत्मा को जान लेता तो तेरे स्कूटी के रास्ते में जाना नहीं पड़ता, पर तू क्या जाना नहीं, और क्या सोचा इसी में मेरी तरक्की है, तब चल स्कूटी बस रहा, तो क्या किया होंडा ला, और किसी बस कार आ गई, तो अपने शाहू जी किया अपनी कार को ले आओ, तब तक मेरे को होंडा में घुमाते रहोगे, अपने कार मंगा ली, फिर फरारी आ गई किसी बार, हमने क्या सोचा कि फरारी आ जाएगी, कार भी वॉट ऑफ बैटरी का, ऐसे इस लोग के रास्ते में बढ़ते टॉर्च की तरह हमको मार होता है, मानो हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जीवन का मार्गदर्शन देव को धर्म नहीं कर सकते, पर हमने मानो लोग को दे दिया है कि तू मेरे को गाइड कर कैसे चल रहे हैं, उसके हिसाब से चलते जा रहे हैं। फिर दूसरी विशेषता क्या बता रहे, ये लोग के बारे में क्या कहते हैं, यानी कि लोग क्या करता है, कैसे जीवन में आता है, तो कहते हर व्यक्ति को हर फील्ड में लोग नहीं होता, व्यक्ति अपने हिसाब से क्षेत्र बना देता है, और क्षेत्र में क्या करता है, समय से लोग करते जाते हैं, कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है जिसको पढ़ाई में बहुत रुचि है, तो किताबों का लोग कर देता है, नहीं नहीं किताबें मिले नोट्स मिले मुझे, मैं पढ़ते जाऊं और अपनी जानकारी को बढ़ाते जाऊं, किसी बच्चे को चॉकलेट का लोग हो जाता है, उसको चॉकलेट चाहिए नहीं मिली तो परेशान हो जाता है, तब करता है रोता है, कहीं से निकाल कर देना पड़ेगा उसको, बोलते हैं सोने की चैन बदले तो अभी, वो बोलते हैं कि सोने की चैन नहीं चाहिए, चॉकलेट ही चाहिए और यही वाली चॉकलेट चाहिए, मतलब उसका लोग कहां से बढ़ गया, उस फील्ड में सिमट गया, उस चॉकलेट के क्षेत्र में सिमट गया। श्रावक जी को किसका लोग हो जाता है, श्रावक जी क्या बोलते हैं, खाने पीने का कोई लोग नहीं है, जैसा देते श्राविका जी मैं खा देता हूं, ठंडा गर्म ना कम नमक का, मिर्चा मिर्ची का भी दे दिए, कभी सब्जी दी रोटी नहीं दी तो उनमें चला
चावल के साथ, इतना मेरे को खाने में जरूरत नहीं है, जो देते कभी सूखे खाते से भी चला लेता हूं। तो भैया लोग नहीं है मतलब खाने में, तो उनका लोग का है पर, तो बोलते दूसरी जगह शाहों का लोग हो जाते हैं, एक दुकान के लिए तो दूसरी दुकान कब बनेगी, मेरा बिजनेस बढ़ेगा कैसे, मेरा व्यापार कैसे बढ़ेगा, अरे जमीन का सौदा कब होगा नया, मेरी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगी, संपत्ति कैसे बढ़ेगी, ग्राहक कैसे बढ़ेंगे, ये सब लोगों को चल रहा है। जब ऐसा लोग आप देखते हो किसी जीवन में, फिर आप क्या कमेंट करते हो, क्या दिन भर पैसे कमा चुकाओगे क्या, थोड़ा धर्म भी करो, इससे क्या मिलेगा, ऐसे ही कमेंट करते बिल्कुल नहीं को पैसे का लोग नहीं, दुकानदार का लोग नहीं है, तो ऐसे कमेंट आते हैं कि भैया थोड़ा जीवन को संभालो अपने, ऐसा करोगे तो जीवन चला जाएगा, खाली पैसा पैसे से करेंगे क्या, बहुत है, पर आप अपना लोग नहीं दिखा रहे हो। शाहू जी तो अपना लोग तो देख, कौन सा लोग है आप लोग बताओ, बताओ जल्दी, साड़ी का, बहुत सही जवाब, सोने का ज्वेलरी का, देखो आप बता रहे हैं बोल आपके, वो शाहू जी क्या बोलते हैं, तू मेरी दुकानदार में जा, तू मेरी तरफ ना देखो, अपने लोग को देख, धीरे से अपनी पिक्चर बताओ कि आप कैसा लोग हो जाते हैं शादी को, कि साड़ियों का लोग हो गया, एक साड़ी है दो साड़ी है, किसी की साड़ी देखी अपन ने प्रवचन में, अब क्या होगा दिमाग में हैंग हो गया, हमें को ऐसी साड़ी चाहिए, लेना ही मेरे को ऐसी साड़ी, आभूषणों का लोग हो जाता है, फिर कॉस्मेटिक्स का लोग हो जाता है, प्रसाधनों का लोग हो जाता है, ऐसी कई चीजों का लोग हो जाता है, आसानी से हो जाता है, जरूरत नहीं पर हो जाता है। तो ऐसे लोग के चंगुल में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हम सब मानव जाति फंसे होते हैं। ये लोग की तीसरी विशेषता क्या बता रहे हैं, कि लोग कैसा होता है, हल्दी के रंग की तरह चालू होता है, और कहते हैं कहां तक पहुंचता है, मजीठा, सुने ना, मैंने नाम नहीं सुना, मजीठा किसको होता है, जिसका रंग बहुत निकलता नहीं, कपड़ा फट जाएगा पर रंग नहीं निकलेगा, ऐसा कड़क रंग चढ़ जाता है मानो, ऐसे लोग का नशा कर जाता है, हल्दी के रंग की तरह ये चालू होता है, और मजीठे के रंग की तरह क्या होता है, ये फैलते जाता है, धीरे धीरे अपना रंग दिखाता है, जैसे नई भगवान ने नई अच्छे काम के लिए धीरे धीरे रास्ते में दिखाती ना, अपने तौर तरीके निकालती है, आप तो नहीं हो, यहाँ की बात नहीं है, कहीं और की बात है, पर ऐसे लोग होते हैं, लोग अपना रूप धीरे धीरे दिखाते हैं, मतलब रंग अपना धीरे धीरे गहरा करते हैं। पहले टेलीफोन रखा घर पे, हेलो बोल के जाना पड़ता था टेलीफोन के पास, दादी जी की क्या लेते स्टिक लेके धीरे धीरे जाती थी घंटी बजती थी, तो कि किसी का फोन है उठाऊं भैया, फिर क्या हो गया जमाना चेंज हुआ, धीरे धीरे कीपैड मोबाइल आ गया जिसमें नंबर सेट है मोबाइल में बात करने के, फिर क्या हो गया फिर एंड्रॉइड सेट आ गया, व्हाट्सएप वाला जमाना आ गया, मोबाइल आगे तो पहले कीपैड से काम चल रहा था, पहले टेलीफोन से काम चल रहा था, तब एंड्रॉइड भी चाहिए, सबको चाहिए, पति को भी चाहिए, पत्नी को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, और दादी जी को भी चाहिए, दादी जी को मेरा भी नहीं चलता बिना व्हाट्सएप पे, सबको चाहिए, काम वाली भाई को भी चाहिए, काम वाली भाई क्या बोलते, मैंने देखा है हमारे संसारी घर में, वो आधी घंटा बीच में ब्रेक लेके पूरे व्हाट्सएप पर रिप्लाई करती है जब घर में काम करते थे, मैंने देखा जिनको आपको है कि मालूम नहीं है, पर ऐसे उसको भी चाहिए व्हाट्सएप, मतलब ऐसे रिक्वायरमेंट कितनी दे रही है हमने, पर देखा जाए अपने अंदर की आवश्यकता बना दी, लोग आ गया उसका। एक बार हमारी चादर मास्ट में हम गए थे, मैं हमारे बुजुर्ग मार्ग साहब प्रशांत सागर का उनके साथ में किसी के साथ पगलिया करने गए थे हम लोग, दो मार्ग साहब वहां पे थे 70-80 साल के दादी जी, वो बैठे हुए थे पगलिया करके, मैंने उनसे ऐसी बात की, मैंने हम आया थे पहली बार तुम नियम दो आप, तो मैंने बोला था एंड्रॉइड से, मैंने बोला मोबाइल छोड़ दो आप सिंपल मोबाइल रखो, तुरंत बोला नहीं चलेगा मार्ग साहब, नहीं छोड़ सकती मोबाइल, तो मैंने कुछ तो छोड़ो भैया क्या कर मोबाइल को, बोले पर्सन में मोबाइल में गाने भी सुनती हूँ, आते हैं गाने गाने, और मैं मैसेज वगैरह भी करना चाहती हूँ, मैंने कुछ तो छोड़ो, कि मैंने उनके हाथ में नेल पेंट लगी हुई थी 75 ईयर्स की लगभग थी, पर विधवा नहीं थी, तो मैंने उनको बोला कि हम नेल पेंट लगाना छोड़ो, तो उसने उनके लिए मना कर दिया। उसके बाद मैंने बोला अच्छा आप अपने हिसाब से बोलो क्या लोगे, कोई एक नियम तो लो, इतने बुजुर्ग मारा समय से कुछ तो लो नियम, तो उन्होंने क्या बोला पता है, मेरे को आइसक्रीम खाने का तैयार करता है, मैंने बोला इस उम्र में आपको आइसक्रीम खाने का क्या करना है, ये तो पहली सूचना है उसके 22 वर्ष में आता है, पर उन्होंने क्या कि उनको आश्चर्य लगा मेरी बात में, उनको ऐसा लगा कि मरा सब इतना बुरा लगा कि आइसक्रीम खाने का नियम हम इस उम्र में ले लिया। तो ये तो बात ऐसी लोग नशा के कारण जी अपनी आवश्यकता इतनी बढ़ा दिया कि ना उम्र का ठिकाना है ना समय का ठिकाना है,
जिस दिन जाएंगे वो जाने का समय नजदीक आ गया मालूम, दादी जी का बहन भी नहीं मालूम थी, 2 साल पहले की बात है, पर फिर भी क्या है छूट नहीं रहा। जिस समय को समाज की आराधना करनी चाहिए, देव प्रधान के निकट आना चाहिए, उस समय को इस एंड्रॉइड सेट ने ले लिया। अब वो टेबल पे बैठे बैठे दिन भर मोबाइल चला रहे, ऐसा ये लोग बचाए। अब ज्ञानियों के क्रम अपने क्रोध भी पढ़ लिया, मान भी पढ़ लिया, माया भी थोड़ा पढ़ लिया और लोग क्या स्टार्ट कर दिया पढ़ना। ज्ञानियों ने कषायों का क्रम कैसे रखा पता है? सबसे पहली कषाय किसको रखी? खतरनाक के रूप में। क्यों रखी बताना? लोग पढ़े तो लोग बोलोगे पर बताना पड़ेगा क्यों रखी। लोग को पहले क्यों रखा? लोग रखी बात सही है, उसके बाद किसको रखा? मान को रखा, उसके बाद किसको रखा? माया को रखा, और सबसे आखिरी में क्रोध रखा। जो क्रोध हमको बुरा लगता है ना, उसको बोला तुम सबसे लाइट ले लिया। सबसे खतरनाक क्यों? लोग है, क्योंकि लोग है इसकी सारी कषाय है। आपको चाहिए इसकी कषाय करनी पड़ेगी, आपको कुछ चाहिए ही नहीं तो कषाय करने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं कि इस लोग को क्या बोलते हैं? सारे पापों का बाप बोलते हैं। सारे पापों का बाप कौन है? लोग है। और सारे पाप के दादा कौन है? कभी आखिरी पाप पढ़ेंगे मिथ्या कुशल, वो मानो दादा है। वस्तु चाहिए लोग करो भैया, वस्तु मिल जाती तो मान करो कि देखो इन्हें को मिल गया, मेरे पास इतना पैसा हो गया, इतनी समृद्धि हो गई। और जब वस्तु नहीं मिलती तो क्या करो? माया करो, एक एक प्रकार क्या करो? उस वस्तु को लाने का माया करो। और वस्तु नहीं मिलती, माया चारी से भी सफल नहीं होते तो क्या करो? क्रोध आता है। अब लोग कषाय को हटाना चालू कर दोगे तो मान भी धीरे धीरे कम होगा, माया भी कम हो जाएगी, और शायद कहते हैं लास्ट में क्रोध भी होंगे। इसलिए लोग कषाय सबसे आखिरी में जाती है, इसको जीतना सबसे मुश्किल होता है। जन्म लेते हैं लोग, जन्म से चालू होता है और कब तक चलता है? क्योंकि जीवन के समापन तक लोग चलता रहता है। बच्चा जन्म लेता है तो रोते हुए पैदा होता है ना, क्यों पैदा होता है रोते हुए बताएगा फिर? है दूध पीने के लिए। इसलिए रोता है कि मेरी मम्मी को कितना कष्ट हुआ 9 महीने, इसलिए नहीं रोता। किससे रोता है? तो मानो ज्ञानी क्या बोलते हैं, वो किससे रोता है कि पूर्व जन्म इतना सब छोड़ कर आया ना, अचानक से सब छूट गया उसका, इतना बसाया था उसने, इतनी संपत्ति बसाई थी, समृद्धि बसाई थी, इतने रिश्तेदार बनाए थे, परिवार बसाया था, सब इकाई छूट गया। और ना जाने इस जन्म में जिसके आया हो वो मुझे कुछ देंगे कि नहीं देंगे, अब इसको भरोसा नहीं हुआ आपके ऊपर। आप भले बोले मेरा लाल है, तो उसको भरोसा नहीं आ रहा है, तो मानो वो रो रहा है कि मैंने इतना बसाया, उसने इतनी चोरी झूठ सब किया, क्रोध मान भय सब किया, वो सारी संपत्ति एक बार में छूट गई। अरे इनकम टैक्स वाला भी आता है ना, नोटिस देता है पहले घर में आता है, पर जब जीवन चेंज होता है तो नोटिस नहीं मिलती। मिलती है नोटिस, मिलती है, बाल पकड़े नोटिस पर है, दांत चाहिए नोटिस पर है, अरे किडनी ट्रांसप्लांट हो गई नोटिस पर है, आपकी बाईपास सर्जरी नोटिस ही मानो आपके लिए, पर इस नोटिस को तो जानते नहीं है, सोचते हैं इसको भी मैं ढक लूं। और क्या करते हैं? जीवन चला जाता है, और चला तो जाता है, पर जब अगला जीवन आते हैं ऐसे लगता है कोई नहीं है, जो था मानो उसके संस्कार हो गए कि मैं कहां से आया था, इतनी सारी संपत्ति सब छूट गई एक बार में। ऐसे लोग कषाय सताते हैं अपने जीव को और उसको रोना आता है, मानो मैं कोई अनजान दुनिया में आ गया, मेरा बसा बसा है सब चला गया। अरे ऐसे करते हैं तो ये लोग कषाय का सामना जन्म से करना पड़ता है और मृत्यु तक करना पड़ता है, फिर अगले जन्म में फिर से करना पड़ता है। तो ऐसी लोग कषाय के बारे में हमने थोड़ा जानना प्रारंभ किया है, वर्तमान योग में आगे फिर जानेंगे। तब तक के लिए मन वचन काय से जो भी कुछ जिन आपके अभी कहा वो बस सब निष्ठा करो। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए, पहले अपने अंदर मन को शांति से भर कीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए, पहले अपने अंदर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है, तीन लोक की तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरी है। मन
प्रभु से प्रीत लगाकर, मन में प्रभु से प्रीत लगाकर, ज्योति से भर लीजिए, पर अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन की राहों पर चाहे मिलते हो सबको काटे, हम वो ऐसे फूल बने जो औरों को खुशियां बांटे। जीवन है भगवान का मंदिर, जीवन है भगवान का मंदिर, बाहों में भर लीजिए, पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मन में ज्ञान का दीप जलाकर भीतर की आंखें खोलो, सांसों के हर तार तार में प्रभु प्रेम का रस घोलो, हर मूरत में प्रभु की सूरत, हर मूरत में प्रभु की सूरत, प्रभु के दर्शन कीजिए, पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए, पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मधुर सोचिए मधुर बोलिए, मधुर मधुर व्यवहार करे, अंतर मन के हर कोने में हर पल की मुस्कान भरे, चंद्र प्रेम की बंसी बजाकर, चंद्र प्रेम की बंसी बजाकर आनंद से भर दीजिए, पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए, पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। चरण पुष्प श्री गुरु के चरणों को शवन जल से जय बनाने वाले प्रत्यक्ष प्रकट प्रभाव में चारों दादा मंदिर के श्री चरणों को शवन मम जीवन सर्वस्व पर कुछ परोपकारी गुरु भगवंत मैं के उजाप से चरणों में आत्मभावित बनना सब उपस्थित सवाने मुझे भगवान उपस्थित हो गया था। जीवन प्रभु के द्वारा बनाने को भरा और उस उपहार को पाकर उस उपहार का उपयोग कैसे करें, तो ये चर्चा चल रही है। 18 पाकिस्तानों की परमात्मा की अंतिम वाणी उत्तराखंड सूत्र को आधार बनाकर 18 पापों का विवेचन बड़ी सुंदर शैली में आपके अपने उदाहरण के द्वारा आपके जेहन में उतारा जा रहा है। उस श्लोक के कारण जो भगवान ही बने रहते हैं, जो भगवान जैसी आत्मा को संसार के कारावास में रहने के लिए मजबूर कर देता है, ऐसा ही लोक कषाय है। इस लोक कषाय के कारण ही भोगों की भटकर हमें प्राप्त होती है। और समरादित्य कथा के माध्यम से गुणसेन का दूसरा भाव, सीए कुमार का भाव हम कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। उस कथा के माध्यम से हमने जाना सोमा के जीवन में, सोमा को अमरगुप्त आचार्य अपनी आत्मकथा बता रहे हैं, उस आत्मकथा में अपना पहला भाव बता रहे हैं। उस भाव के अंतर्गत उन्होंने बताया
शोभा के भाव में धर्म का संबंध मिला और धर्म के संबंध से जीवन में धर्म की शुरुआत की, पर पति को धर्म पसंद नहीं आया और पति की बेरुखी ने शोभा का अंत कर दिया। शोभा सम्यक दर्शन को प्राप्त हो चुकी थी और सम्यक दर्शन पूर्वक संभव में रहकर अपना आयुष्य पूर्ण किया। दिव्य प्राप्ति वहां से तीरेज नदी में प्रयाण हुआ। तीरेज के भाव में हाथी का भाव मिला। उस हाथी के भाव में पूर्व पुण्य बहुत इकट्ठा किया था। हाथी के जीवन में जो जो फैसिलिटी होती है, जो जो अनुकूलता होती है, वो सारी उसे प्राप्त हुई और सबसे श्रेष्ठ वो हाथी था और 500 पत्नियों का वो स्वामी था। तीरेज के भाव में भी उनकी अपनी दुनिया होती है, उनके अपने राजदेश होते हैं, उनकी अपनी अलग ही दुनिया होती है। वहां पर भी ईर्ष्या होती है, वहां पर भी मान होता है, वहां पर भी क्रोध और लोभ होता है। मुझे जो प्राप्त हुआ है वो छीन न जाए, इसलिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। और ऐसे हाथी को सबसे समझदार प्राणी माना जाता है। और वैसे भी समझदार हाथी का सुसुमार वन में सुसुमार पर्वत पर 500 हथेलियों के साथ क्रीड़ा करता हुआ हाथी अपना जीवन पसार कर रहा था। और उसी सुसुमार वन में और सुसुमार पर्वत में जो रुद्रदेव का जीव था, शोभा का पति था, जो धर्म विमुख था, जिसने अपनी पत्नी की हत्या का षड्यंत्र रचा था, तो रुद्रदेव वहां पर नरक की आयु बनकर तोता बनता है। और तोता बनकर जैसे ही शोभा के जीव उस हाथी को देखता है, पूर्व का वैर का संस्कार जागृत हो जाता है। वहां पर उसे पता नहीं शोभा है, लेकिन उस आत्मा के साथ में जो रुदान बन बनता था, जो क्लेश के संस्कार बनते थे, जो द्वेष के संस्कार बनते थे, वो द्वेष उसे देखते ही जागृत हो जाता है। और तोता हाथी का क्या बिगाड़ सकता है? एक रंग हो और सामने सम्राट हो, वो सम्राट का रंग क्या बिगाड़ सकता है? तोता छोटा सा प्राणी, गगन में उड़ने वाला, फल खाकर जीने वाला, वो छोटा सा तोता उस हाथी का क्या बिगाड़ सकता है? पर जब भी वो हाथी को देखता, हाथी के साथ क्रीड़ा करते हुए देखता, उसे ईर्ष्या होती, मेरे पास तो मात्र एक मैना है और इसके पास 500 हथियार हैं और 500 के साथ कितनी मन पसंद चाल चलता हुआ ये क्रीड़ा करता है। वो देखकर ईर्ष्या से जल फूट जाता, लेकिन कर भी नहीं सकता था। बार बार चिंतन चलता, लोग जागरूक होता, इसे इतना क्यों, मेरे पास इतना क्यों नहीं। और एक समय एक विद्याधर अपनी प्रेमिका को लेकर उसका अपहरण कर वहां से उड़ रहा होता है। वो पक्षी की भाषा जानता था। उस तोते से कहता है, हे शुक्राज, मेरी प्रेमिका का भाई से पीछे आ रहा पकड़ने के लिए मुझे, और हम गुफा में छुप रहे हैं, तुम उसे बताना मत, उसे अन्य दिशा में भेज देना अगर तुमसे पूछे तो, और वो चला जाए तो हमें बता देना। हम इस गुफा में थोड़ी देर छुप जाते हैं। और जैसे उसने कहा, तोते का दिमाग कंप्यूटर से फास्ट चलने लगा। एक मानव को मात कर दे, ऐसा उससे विचार, ऐसा षड्यंत्र उसके मन में आया। और उसने थोड़ी देर बाद जैसी हाथी उसके पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, वो हाथी की पक्षियों की भाषा जानता था। हाथी को देखकर उसने अपने मैना के कान में कुछ कहा धीरे धीरे, और फिर हाथी सुन सके ऐसे जोर से क्या कहता है कि अहो मैंने एक महर्षि से सुना है कि हम जिस पेड़ पर रहते हैं उस पेड़ के पास में बाई तरफ एक गहरी खाई है, और उस गहरी खाई में उस महर्षि ने बताया कि जो भी पूछता है और जो इच्छा करके पूछता है
वो बन जाता है। तो क्यों ना हम विद्याधर विद्याधर भी बन जाए। हमारा जीवन कितना कष्ट भरा है, कभी बने भी आकर पकड़ लेता है, कभी शिकारी हमारा शिकार कर देता है, पीले डब्बे से अंदर हमको रहना पड़ता है। तो क्यों ना हम भी उस पत्र स्थल पर जाकर इच्छा करें कि हम विद्याधर विद्याधर भी बन जाए और हमारा जीवन सुख में वहां पर बीतेगा। मैंने कहती अरे इतना सुंदर हमारा जीवन चल रहा है, पेड़ के फल हम खाते हैं और निष्पाप जीवन यहाँ पर जीने कोई इससे वह विरोध नहीं है, तो हमको क्यों विद्याधर विद्याधर नहीं बनना। और लोग महाविकराल होता है, जिस लोग के बारे में सुन रहे हो उसे भी लोग हुआ कि पक्षी से तो विद्याधर का जीवन अच्छा, विद्याधर बनना चाहिए। और ये बात कौन सुन रहा है? ये बात को हाथी सुन रहा है और हाथी के मन में सपने आने लगे कि मुझे विद्याधर बनना है। मैं भी स्थल से गिरकर अपनी मनोकामना पूरी करूंगा। वो सोच रहा है और वो सोच रहा है उठने में टूटा उठकर गुफा में जाता है और विद्याधर विद्याधर कहता है कि वो विद्याधर आया था चला गया और अब तुम आराम से यहां से जा सकते हो, तुम जल्दी यहां से जाओ, मुझ पर उपकार होगा। और वो जैसे बाहर निकलते हैं कौन देखता है? हाथी देखता है। तो हाथी को लगता है कि हाँ वास्तव में शायद होता इस खाई से खाई में कूदा होगा और विद्याधर और विद्याधर भी बन गए और उसकी इच्छा बलवती होगी। लोग जागृत हो गया कि मुझे विद्याधर बनना है। हस्तियों के पास जाता है, उनको बताता है कि ऐसा ऐसा मैंने सुना, शायद आपने भी सुना होगा। सब कहते हाँ लेकिन हमको नहीं बनना, हमारा जीवन कितना अच्छा यहाँ पर चल रहा है, आप हमारे स्वामी हो, हम आपकी प्रिया हैं और आनंद प्रमोद से हमारा जीवन चल रहा है, तो हमें विद्याधर क्यों बनना? यहाँ क्या कमी है? कोई शिकारी यहाँ पर आता नहीं, सारे भक्त हमारा साम्राज्य है, हमें क्यों मनुष्य बनना? ये नियम ठीक है। वो बार बार बोलते हैं कि उसके ऊपर लोग कैसे हावी हो गए, यदि मनुष्य बनकर अच्छा जीवन, पशु का जीवन तो पशु का भला है, मनुष्य बनता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमको देव अच्छे लगते हैं, देवताओं का अच्छे लगते हैं, देवताओं को लगता है कि मनुष्य बनेंगे संयम का पालन करके मुक्ति में जाएंगे और हमको लगता है कि देव बनकर आमन प्रमोद की जिंदगी जिएंगे, सारे सारे ऐश्वर्य वहां पर हमको मिल जाएगा। जो जहां पर होता है ना वहां से आगे का उसका सुख दिखता है, वर्तमान सुख अच्छा नहीं लगता और भविष्य के सुखों की कल्पना में डूबकर अनर्थ कर बैठते हैं। वैसे वो हाथी भी अपने हथियों की बात मान लिया है, सभी भली भांति 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 से उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके दिमाग में तो विद्याधर बनने की सनक आ गई। और जब सनक आ जाती है उस समय कोई समझा नहीं सकता। वो हाथी कहता है तुम नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मैं स्वयं खुद जाता हूं, तुमको जो करना है वो करो। और वो हाथी वास्तव में कूद जाता है और उसके प्रेम में पागल वो सारी हड्डियां भी एक के बाद गिरते जाती है। सभी गर्ण पुकार निकलते चीख निकलती है लेकिन बचाना तो नहीं है। तोता देखकर आनंदित हो रहा है, मैंने इतने बलशाली हाथी को और एक हाथी नहीं उसके साथ 500 हड्डियों को मौत के घाट उतार दिया। आनंद मनाता है, खुशी मनाता है, अपने गलत इरादे पर अपने गलत कृत्य पर आनंद मनाता है और वहां से मरकर वह तोता भी नरक में जाता है। नरक से निकलकर इन दोनों आत्माओं का फिर से मिलन होता है। दो मौत हो गए, ऐसे 5 मौत होते हैं, कभी वो चक्रदेव होता है और वो हाथी जो तोता था होता है, दोनों मित्र बनते हैं, एक के मन में कोई वैर नहीं और दूसरे के मन में वैर चलता है, मित्र बनने से धोखा देता है, दूसरा वो बनता है चंद्रसार बनता है और उसी के घर में उसी के दादे के पुत्र के रूप में अदन्य के नाम से तोता होता है, वहां पर भी शेषी पुत्र को धोखा देता है। लेकिन शेषी पुत्र का पुण्य का उदय इतना अच्छा है, धोखा खा नहीं पाता हूं लेकिन हर भाव में
वो तोता जो है वो इसे परेशान करता है, धोखा देता है, लेकिन अपने पुण्य के बलबूते पर आगे बढ़ते रहता है। वही आत्मा आगे जाकर अनंत देव के नाम से जन्म लेती है, ये धनदेव के नाम से जन्म लेता है, दोनों मित्र बनते हैं। और यहाँ पर भी धोखा देकर मारने का प्रयास करने लगे वो मरता नहीं, वैसे वह बढ़ते जाता है। वीरदेव के रूप में इसका जन्म होता है और द्रोण के रूप में उस तोते का जन्म होता है। उस भाव में भी षड्यंत्र पूर्वक मारने का प्रयास करता है, लेकिन जाकर आपकी सालियां मार सके ना कोई। ये कहते हैं मानस मंत्र हिफाजत जिसकी खुदा करे वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ऐसे ही उस शोभा की आत्मा का हर भाव में कल्याण होते जाता है और रुद्रदेव की आत्मा हर भाव में नीचे की ओर पतन की ओर जाते जाती है। इस प्रकार सात भाव दोनों के बीच जाते हैं। सातवां भाव अमर गुप्त और वो नंद के रूप में उसका जन्म होता है। और यहाँ पर भी कपट पूर्वक पति पत्नी के रूप में रहने पर भी पति बनकर पति को मारने का षड्यंत्र रचती है, लेकिन पति मरता नहीं। अमर गुप्त नाम इस भाव में था और वही अमर गुप्त वैराग्यवासी होकर अमर गुप्त सूर्य बन जाते हैं। और वही अपनी भाव की कथा बता रहे और वो सारी कथा सुनकर धर्म गोष्ठी जीवन में वैराग्य का उदय हुआ और वैराग्यवासी होकर वह दीक्षित हो गए और धर्मगोष्ठ आचार्य बनते हैं। और वो सीएम कुमार को भी कथा बता रहे। और इस प्रकार सीएम कुमार सारी कथाओं को जानकर उसके जीवन में भी आश्चर्य का एक घटना होती है। वह भी सुनकर उसके मन में भी संसार के प्रति तीव्र अनासक्ति का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन भौगोलिक कारणों की शेष है, अभी जीवन काफी लंबा है, अभी जीवन में मात्र सुख की बहार आई है, दुख का सामना भी किया नहीं है। पर संसार वही जहां पर सुख और दुख की चाली चलती रहती है, ऐसे उसके जीवन में श्री कुमार के जीवन में अब क्या टर्निंग पॉइंट आएगा, क्या वैराग्यवासी होकर वह दीक्षित हो पाएगा, क्या संसार के आकर्षण संसार के लोग उसे लुभाएंगे, किस प्रकार वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, उन सब वृत्तों को जानने के लिए हमें क्या करना होगा। बेटे बॉस जिन्हें कुछ आपको पूछा होगा सहजानंद।